नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार का शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद की। कई संभावनाएं, कई चर्चाएं चल रही थी। भारत लाइव लगातार दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पलट सकते हैं, पलट सकते हैं। अंततः भारत लाइव के दावे पर मुहर लग गई कि नीतीश कुमार आखिरकार बाजी उन्होंने पलट दिया। नीतीश कुमार क्यों पलटे? कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पर काम करने का दबाव पड़ रहा था। हालांकि कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को काम करने पर दबाव दिया जा रहा था। नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने गठबंधन का दामन छोड़ दिया। तेजस्वी यादव से अलग हो गए, लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए। उसके बाद से कई बातें जो राजनीतिक घराने में दौड़ रही हैं इस वक्त, वो ये हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, अंततः तो उन्होंने यही किया। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने पाला बदल दिया। अब चूंकि एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अब कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा उनके शपथ में यहाँ पटना पहुँचे। चर्चाएँ अमित शाह की भी चल रही थी कि अमित शाह भी पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अमित शाह नहीं पहुँचे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फ़ोन पर बधाई भी दी है, स्वागत भी किया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए बधाई दिया है। और इधर से नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। सबसे पहले मोदी जी ने जो कहा है, मोदी जी ने जो बातें कही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई है। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवाएं करेंगी। इधर नीतीश कुमार का जवाब होता है, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामना के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहारवासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उसकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरीन होगी। तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फ़ोन पे भी बधाई दिया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार का धन्यवाद भी दिया है। तो इस तरीके से बिहार में अब एनडीए गठबंधन बन चुका है। नीतीश और मोदी की जोड़ी अब कितना कमाल कर पाएगी आने वाले विगत दिनों में देखने को मिल सकता है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा? क्योंकि अब गठबंधन होने के साथ साथ एक जो मुद्दा लगातार चलता है कि आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा अब होने लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।